हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। तो गाइस, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है यूपी वालों के लिए, यूपी के लिए आप कैसे यूपी का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो कैसे आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। तो सिंपल से आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है पुलिस वेरिफिकेशन और आगे आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है यूपी। उसके बाद में आपके पास में फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहेगा अबाउट के साइड में, आपको लिखा होगा सिटीजन सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। आप दूसरी वेबसाइट पे लोड हो जाओगे जो कि वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, यहाँ से इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज कर लूँगा, तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ लैंग्वेज। इसके बाद गाइज, आप चाहो तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज बदल सकते हो। यहाँ से मेरा कुछ एरर है, लैंग्वेज मेरी चेंज नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ से देख सकता है नीचे लिखा हुआ है न्यू उपयोगकर्ता, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर अपने पापा का मिडल नेम है तो आप दे सकते हो, आपका लास्ट नेम। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो मेल फीमेल ट्रांजेक्शन जो भी है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी दे देनी है अपनी। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही होगा जो यूज़र नेम होगा आपका। इसके बाद आपको पासवर्ड टाइप कर लेना है और री पासवर्ड पासवर्ड आपको टाइप कर लेना है, दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड टाइप करना है। आप देख सकते हो पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है, आप अपना पासवर्ड बना सकते हो अपने नाम का, और दोनों में आपको सेम रखना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको फिर से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पे लॉगिन का जो लॉगिन आईडी गाइस वो आपका मोबाइल नंबर ही रहने वाला है, और पासवर्ड आपने जो टाइप किया वो पासवर्ड, और ये यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे मुझे कोई नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, मैंने किसी लिए अप्लाई नहीं किया। फिर आपको यहाँ पे ऐसे टच कर लेना है, और इसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, तो आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और कोई जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज है। तो हमें सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे सामने फॉर्म ऑन हो जाएगा। इसकी प्रोसेस आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी आपको सर्विसेज भी देखने के लिए मिली। अपना फॉर्म ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है या कैटेगरी, आप कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन भी है, और अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हो जनरल हो तो आप जनरल में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आप किस लिए चाहते हो, यहाँ पे आपको पर्पस अपना टाइप करना है, आप किसके लिए चाहते हो, किस सर्विस के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको उनको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो किसके द्वारा चाहिए, बाय पोस्ट चाहिए आपको या पर्सन के द्वारा चाहिए या वायरलेस चाहिए, उसका यहाँ पे आपको डेट का नाम दे देना है अपने यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन में सेलेक्ट कर लेना है अपना फादर मदर जेंडर जो भी है, हाउस वाइफ हस्बैंड, ऐसा चूज़ करके फादर भी चूज़ करके यहाँ पे उनका नाम दे देना है रिलेटेड का, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उनका, हस्बैंड हो तो हस्बैंड का या मदर है तो मदर का या फादर का। फिर यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी। इसके बाद में आपको फ़ोटो की डेट ईयर मंथ लिमिट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एज लिमिट जो भी है आपकी एज, और यहाँ पर आपको फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको 200 KB के अंदर चाहिए, JPG PDF आप जो भी हो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप कर देना है, विलेज स्टेट पुलिस स्टेशन आल्सो परमानेंट यस या नो परमानेंट है या नहीं, रेंट पे, जो भी यहाँ पे कंट्री का कोड या जिप कोड को टाइप करके इसको भी नेक्स्ट पे कर देना है। यहाँ पे आपको एफिडेविट पे अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, और अगर आप नो करते हो तो आपको यहाँ पे इस चेक पे अलाउ करके आपको टिक कर देना है। आप ऑनलाइन कर रहे हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट पे कर देना है। इसके बाद में आपको 50 रुपीज़ का एक के बाद में आपको 50 या 100 रुपीज़ जो भी है इनकी फ़ीस पे करके इसको अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, इसी के साथ साथ आपको जिस भी जिसके लिए भी ये, जैसे कि आपको कोई कंपनी ने कहा है कि हमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनकी तरफ से जो लेटर मिलता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर उसको भी आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर होम पेज पर मैं चला जाता हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार।
यहाँ से मैं लॉग आउट हो गया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैं इजीली तरीके से बता दूँ, रेजिडेंशियल आप यहाँ से सिलेक्ट चेक कर सकते हो, उत्तर प्रदेश जो भी यहाँ से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वैलिडिटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको अभी की तारीख का, 1-2 महीने पुराना भी चल जाएगा। यहाँ पे प्रूफ, और यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे जिसके भी द्वारा बनाना है उसको फ़ीस, यहाँ पे 50 रुपीज़ दिखाई गई है, मुझे नहीं पता अब एक्चुअली कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 50-100 रुपीज़ आपको फ़ीस लगने वाली है। यहाँ पे एप्लीकेशन का टेकन यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ से आप यहाँ पे एप्लीकेशन भी देख सकते हो अंडर प्रोसेसिंग, आप कैसे अप्लाई होंगे, आपकी प्रोसेस कैसे चलेगी। यहाँ पे फिक्स टाइम लिमिट आपको देख लेना है, तो यहाँ पे अपने जोन से आप टाइम लिमिट देख सकते हो, 7 डेज़ तो लगभग लग ही जाते हैं, 7 डेज़ में 8 डेज़ में हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो होता है आपका वो कैसे दिखेगा, वो इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होंगी, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर विग्नेचर और जो भी होंगी, इस तरह से आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है। अगर आप हमसे बनाना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएंगे लिंक, अगर आपको बनवाना है डॉक्यूमेंट आप सेंड करके उनसे भी बना सकते हो। और आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र की भी वीडियो अपलोड है, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है।